बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने आज बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेखावत ने कहा है कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राजेश अग्रवाल का बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय सपोर्ट कर रहे हैं। वह बोले कि कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार को गिराने के लिए पूरा प्रयास मालवा और निमाड़ में किया था। वह मालवा और निमाड़ के 36 सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए थे और उन सीटों पर बागी लोगों को खड़े करके अधिकतर लोगों को हराने का काम किया, इसलिए शिवराज सरकार नहीं आ सकी। यही हमारे विरोध करने का कारण है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी संगठन को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में अधिकतर उम्मीदवारों के खिलाफ बागियों को खड़ा करके फंड देकर और पैसे देकर कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी सरकार को आने से रोक दिया था। शेखावत ने कहा, जिसने पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ा उसको कैलाश द्वारा पार्टी में शामिल किया गया, कैबिनेट का दर्जा दिया गया, इससे कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा। शेखावत बोले कि अगर ऐसे निर्णय लेना है तो पार्टी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, कैलाश जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कैलाश जी बंगाल के प्रभारी है, घूम रहे हैं मध्य प्रदेश के बदनावर में। उन्होंने इस उपचुनाव में फिर से शिवराज सरकार को अप्रस्त करने का षड्यंत्र रचा है और भी कई तरह से शेखावत ने विजयवर्गीय पर निशाना साधा। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी चीजें, व्यवस्थाएं हिलती हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आता है और उसके कारण कभी कभी कोई राजी नाराजी लोगों में दिखाई देती है, हर चुनाव में होता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, चुनाव का समय आता है, तब इन सारी बातों में काफी चीजों को संजो करके, समझा करके, आपस में चर्चा करके कोशिश की जाती है। चुनाव तो हैं, ये पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर रहते हैं और ये ऐतिहासिक अवसर है, इसको भुनाने के लिए पार्टी पूरे प्रयास करती है। और मैं समझता हूँ कि जो नाराजगी की चर्चा आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से लेती है और ये सब वही कार्यकर्ता है पार्टी ने इसको बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि कठिनाइयों को सुन करके उसका रास्ता निकाल लेगी पार्टी। ऐसा हमें हर चुनाव में होता है, इस बार भी होगा। नहीं, रोज खबरें आ रही हैं कि आपका कैलाश विजयवर्गीय 36 का आंकड़ा चल रहा है। मेरा 36, मेरा कैलाश विजयवर्गीय से कोई न 36 है न 33 है। मेरा सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय से ये कहना है कि भाई, जो कार्यक्षेत्र आपका नहीं है वहाँ जाके अनावश्यक हस्तक्षेप मत करिए, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित मत करिए जो पार्टी के अंदर विघटन पैदा कर रहे हैं, पार्टी को हरा रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और कोई मेरा कैलाश विजयवर्गीय से लेना देना नहीं। कैलाश विजयवर्गीय तो मैं खुद 1980 में पार्टी में लाया हूँ और आज भगवान की दया से बहुत अच्छे बड़े नेता हैं, यशस्वी नेता हैं, लेकिन वो जो उनके कार्यकलाप हैं उनसे वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं। इतनी सी बात है, ये बात उनके संज्ञान में लाई गई है, ये बात पार्टी संगठन के संज्ञान में लाई गई है, उससे नुकसान पार्टी को ना हो, कम से कम इतने संगठन इसकी चिंता कर ले, ये मैं बार बार कहता हूँ। और क्या है तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाकर? मैं कुछ नहीं कर रहे, मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसको आर्थिक रूप से पैसे दे दिए, पार्टी को हरा लो, शेखावत जी को हरा दो, और जिसने हराया उसको परसों जाकर के पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे और उसको यहाँ तक कह रहे कि आप तो कैबिनेट मंत्री बन गए, आपने हरा दिया है शेखावत जी को, बहुत अच्छा किया और आप आ गए हो आप पार्टी के अंदर। जो अब जो लोग पार्टी को खड़ा करके अपने खून पसीने से जिंदा रख रहे हैं, जिनने पार्टी को बरसों जिताने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उनके सामने आप ये संदेश दे रहे हो कि पार्टी से जो खिलाफत करके चुनाव लड़ा है और जिनने पार्टी को हराया है उसको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, तब से ये वहाँ जो वातावरण खराब हुआ है वो आगे आने वाले चुनाव में कष्ट तो देगा। निष्ठावान कार्यकर्ता सम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है, अपमान नहीं चाहता। पार्टी फोरम पर रखिए, पार्टी को बहुत पता है, पार्टी को पता है, पार्टी के सामने चर्चा हुई है, ये चर्चा मैं पार्टी में बता चुका हूँ, संगठन को बता चुका हूँ। अब ये पता नहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कृत्यों के ऊपर पार्टी क्यों चुप है, मुझे आश्चर्य है, लेकिन अभी समय रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए और नहीं तो इसके परिणाम जो है पार्टी को खराब दिखेंगे, हमें भी दुख होगा इस बात का। पार्टी का अगर नुकसान होता है तो कोई बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता खुश होता है, ऐसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पार्टी वहाँ शाश्वत जिंदा रहे, पार्टी जीते। पार्टी की सरकार बड़ी मुश्किल से बनी है ना, कांग्रेस के इतने लोगों ने त्याग किया है तो सरकार बनी है। अब इस सरकार को खोने में जो लगे हैं उन तत्वों को रोकना चाहिए। पांच सीटों का प्रभारी किन ने बनाया उनको?
अगर 5 सीटों का उनको प्रभारी बनाया तो बाकी सीटों का प्रभारी कौन है? बाकी सीटों पर क्या होगा? ये प्रभारी जो बनाए गए हैं इन्हीं 5 सीटों को क्यों बनाए गए? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो 5 सीटें हैं इन्हीं को, इन्हीं का प्रभार उनको क्यों मिला है? क्योंकि FPCA में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय आमने सामने है। 8 पिपलियां उन्होंने ले ली, बदनावर उन्होंने ले ली, जिसके वो प्रभारी है, तुलसी सिलावट इंदौर उन्होंने ले ली, यही इसी का प्रभार लिया ना उन्होंने, उन्होंने ले लिया, पार्टी ने तो नहीं किया। तो उन 5 सीटों का प्रभार उन्होंने लिया है जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंडिडेट हैं, बदनावर में है, यहां है, हाट पिपलिया में है। इनको बदला लेना है ज्योतिरादित्य सिंधिया से श्री कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि FPCA के चुनाव में 3 बार उनसे हार गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंडिडेटों को हरा करके ये और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बदला लेना चाहते हैं और पार्टी का नुकसान हो, इसकी चिंता तो कैलाश विजयवर्गीय ने कभी की नहीं। ये संदेश जो है मैं पार्टी को बता चुका हूँ, पार्टी के हाई फोरम पे बता चुका हूँ, संगठन में बता चुका हूँ, और अगर उसकी चिंता समय पे नहीं की गई तो बड़े नुकसान की तरफ कैलाश विजयवर्गीय पार्टी को ले जा रहे। और अगला कदम क्या आपका? हमारा कोई कदम नहीं, पार्टी में जाकर के अपनी बात करना है, पार्टी का काम करना है, पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई दुर्भाग्य किसी का होगा तो उसका तो कोई मेरे पास इलाज नहीं। राजेश अग्रवाल को उन्होंने खड़ा किया था, शामिल क्या करा दिया? उन्होंने खड़ा किया, वो उन्हीं के द्वारा प्रायोजित आदमी था, और ऐसा उन्होंने यही नहीं किया है, दौर संभाग की बहुत सी सीटों पे किया, ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने पैसा पैसा देकर के सरकार को हराने का काम किया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? जब हम तो उनके संबंध ये तो सही नहीं थे जो आपको हराने के लिए। बहुत अच्छे संबंध है उससे, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, तो संबंध हमारे खराब नहीं है, ये उनकी मनोवृत्ति ऐसी है कि वो अपनी पार्टी के लोगों हरा। संबंध तो मेरे आज भी बहुत अच्छे हैं, अपनी पार्टी को हरा करके खुश होने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अपनी पार्टी को जिता करके प्रसन्नता अनुभव करते हैं। शायद उनकी बड़ी कोई महत्वाकांक्षा होगी, शिवराज सिंह को हटा करके वो खुद एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ऐसा भी लोग मुझे बताते थे, नहीं बन पाए तो उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। उषा ठाकुर को मऊ भेजा, मैंने को बदनाम की टिकट मांगी थी, उषा ठाकुर मऊ क्यों जाना चाहती थी? इंदौर को ताई और भाई ये दोनों जो है अपने ग्रिप में चलाना चाहते हैं, इनके अलावा कोई यहाँ पे नेता न बने। शेखावत जी को यहाँ से लात मार के बाहर कर दिया, उषा ठाकुर को लात मार के मुंह बाहर कर दिया है, खुद के बेटे को यहाँ स्थापित करना था, खुद के लड़के को स्थापित करने के लिए इन सब नेताओं को शहर से छुड़वा दिया, ये कौन सी मनोवृत्ति है? मैं समझता नहीं, और संगठन क्यों चुप है? प्रधानमंत्री ने पूरे देश के बड़े प्लेटफॉर्म से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय, आदरणीय उनके सुपुत्र के इन कृत्यों को लेकर के सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऐसे तत्वों को पार्टी से निकालो, पार्टी से दूर करो, अन्यथा ये पार्टी में नुकसान करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेता तो इसमें किसका कसूर? वैसे आपको ऑफर भी मिला है कांग्रेस की तरफ से, क्या आपने जवाब दिया है? नहीं नहीं, कांग्रेस की तरफ से ऑफर तो देखो वो लोग तो कोशिश करते ही हैं। आपको मिला है कोई ऑफर? बहुत असंतुष्ट होने का उनको जब लगता है तो उन्होंने भाई शायद शेखावत जी, सब शेखावत जी के साथ में, ये जितने कांग्रेस वाले हैं सब कॉलेज के टाइम से साथ में हैं। मुझे उन्होंने कहा अगर, तो मैंने जो जवाब देना दिया ना, हम पे ये प्रयोग चल नहीं सकता।